हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूपीपीटी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के प्रोफेशनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। आज की ये वीडियो उन सभी छात्र छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपी पॉलिटेक्निक के हैं और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है। तो आप सभी छात्र छात्रों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, वरना आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहले बात करते हैं फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं की, जो फाइनल ईयर को पास आउट कर चुके हैं, थर्ड ईयर पास छात्र छात्राओं की। तो देखो, जितने भी फाइनल ईयर के जो पास आउट छात्र छात्राएं हैं यूपी पॉलिटेक्निक से, जो 2023 बैच पास आउट हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि उनकी जो प्रोफेशनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो कॉलेज में मिलना कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएंगे। अगले मंथ से कॉलेज में आपकी मार्कशीट और आपके सर्टिफिकेट स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट है उसके बाद से आपकी जो प्रोफेशनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपके कॉलेज में आ जाएंगे, आप वहाँ से अपने कॉलेज में प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अब बहुत सारे फाइनल ईयर के ऐसे छात्र छात्रा जिनको जॉब करनी है या जिनको बीटेक में एडमिशन लेना है, लेकिन उनको मार्कशीट की नीड है, तो आप अपने कॉलेज में जाकर उसकी मार्कशीट को आप अपने रिजल्ट, जैसे आप अपने रिजल्ट को प्रिंट आउट कराइए, जो आपका रिजल्ट इस बार आया है उसको प्रिंट आउट कराने के बाद अपने कॉलेज में जाइए, कॉलेज में उस पर मोर लगवाइए, ठीक है, साइन कराइए अपने प्रिंसिपल के, और वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट के तौर पर काम करेगी, ठीक है, जब तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके कॉलेज में नहीं आ जाती, ठीक है। ये आपकी सोल्यूशन हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फुल हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, जो मतलब फर्स्ट ईयर के छात्र छात्रा जो सेकंड ईयर में पास आउट होकर आए हैं और जो सेकंड ईयर के छात्र छात्रा जो थर्ड ईयर में पास आउट होकर आए हैं, उनके लिए अपडेट ये है कि आप अपने रिजल्ट को इंटरनेट से डाउनलोड करके, यूपीपीटी की मेन वेबसाइट से डाउनलोड करके रख लें। आपके पास ईयर वाई ईयर के रिजल्ट होना कंपलसरी है, क्योंकि आप जब जॉब करने जाओगे तो वहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि भाई थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट दिखाओ, कि भाई फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट दिखाओ, आपने फोर्थ सेमेस्टर में क्या किया था। तो इसीलिए आप सभी अपने रिजल्ट्स को पर सेमेस्टर के हिसाब से अपने पास रखिए, संभाल के, क्योंकि वो बहुत काम आएंगे, ठीक है। बाकी फाइनल के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, कुछ दिनों बाद वो डिग्री लॉकर पे भी अपना जो मार्कशीट और प्रोफेशनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।